नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। रोज 2 किलोमीटर तैरकर शख्स जाता है ऑफिस, ये है उसकी मजबूरी। ट्रैफिक की समस्या से हर कोई परेशान है, कहीं जल्दी जाना होता है तो ट्रैफिक में फंसकर आपका समय बर्बाद होता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी जाते समय जब हमें ट्रैफिक की समस्या से गुजरना पड़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऑफिस जाने के लिए वैसे तो हम कार, बस, टैक्सी या मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गलती से आपको जाम मिल जाए तो टाइम पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे इंसान के बारे में आज आपको बता रहे हैं जो रोज ऑफिस जाता है लेकिन पानी में तैर कर। ट्रैफिक से बचने के लिए लोग जाने क्या क्या उपाय करते हैं, ऐसे ही जर्मनी का रहने वाला ये शख्स अपने ऑफिस जाता है तैर कर। म्यूनिख में रहने वाले इस आदमी का नाम है बेंजामिन। ये ट्रैफिक से इतना परेशान था, ट्रैफिक जाम के कारण रोज ऑफिस देर से पहुंचता था, इस वजह से इसने परेशान होकर सार नदी को पार करके तैर करके ऑफिस जाने का एक अजीब तरीका निकाला। बेंजामिन करीब 2 किलोमीटर तैर कर जाते हैं। इनका मानना है कि इससे तैर कर जाने से रोज अच्छी एक्सरसाइज भी होती है और टाइम पर ऑफिस भी पहुंचते हैं। हालांकि बेंजामिन ये कहते हैं कि ऐसा करते हुए उन्हें देखकर उन पर लोग हंसते हैं, लेकिन उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे वो ऑफिस जल्द पहुँचते हैं। तो कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मजेदार जानकारियों और खबरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।